गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने कल ही डाल दिया था कि मैं कल प्रातः 8 बजे FB पर लाइव आऊँगा, और आज से आप पढ़ाई का शेड्यूल समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो आप पेन कॉपी उठाकर चाय पानी का आनंद लेते हुए, 8 बज चुके हैं और अब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई का शेड्यूल रोज का मैं आपको बता देता हूँ कि प्रातः 8 बजे तो हम रीजनिंग पढ़ा करेंगे, रोज पढ़ा करेंगे, और इवनिंग को 8 बजे हम मैथ्स की क्लास रोज लाइव आऊंगा मैं आज से। और आपको बता दूं दोस्तों जानकारी के लिए कि FB पर तो मैं रोज लाइव आऊंगा, साथ के साथ ही मैं FB के जस्ट बाद में ये वीडियो मेरे YouTube चैनल BN सर मैथ्स पर कंप्लीटली अपलोड करूंगा दोस्तों। पूरी मैथ्स और रीजनिंग की कंप्लीट वीडियो आप सब वहां पे दोबारा से देख सकते हैं। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। आज हम घड़ी का पार्ट 5 अध्ययन करेंगे। कल मैंने आपको पार्ट 4 तक के बिंदु कंप्लीट हल करवा दिए थे। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप सबके समझ में आए, और मैं देखना चाहता हूँ एक बार कौन कौन जुड़ चुके हैं, और जुड़ चुके हैं तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थियों को मालूम चल जाएगा कि मैं लाइव आ चुका हूँ। सभी विद्यार्थियों को पढ़ाई का लाभ मिलना चाहिए। आइए दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब अपन टॉपिक पर आते हैं। आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये बात पहुँच सके। मैं अब अपने टॉपिक पर आता हूँ। आप एक बात पुनः पढ़ाई का शेड्यूल समझ लें, ये दोनों टाइम आप हमेशा बचा के रखना, और कार्यों में व्यस्त मत होना। प्रातः 8 बजे तो मैं रीजनिंग की क्लास लिया करूँगा, और सायंकाल 8 बजे मैं मैथ की क्लास रोज लाइव आऊँगा मेरे FB फेसबुक अकाउंट पर, और इसके जस्ट बाद में मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर मैथ्स और रीजनिंग की रोज वीडियो अपलोड करूँगा। आप वहाँ पर जाकर पुनः इसको देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लीजिएगा दोस्तों, अब हम रीजनिंग में आज घड़ी कंप्लीट आपकी, और टाइप नंबर 4 हम कल हल कर चुके हैं। टाइप नंबर 5, ये टाइप नंबर 5 मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनाए। घड़ी की सुइयों का आगे पीछे होना, घड़ी की सुइयों का आगे पीछे होना किस प्रकार से आगे पीछे होती है, और क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। लीजिएगा दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, और मैं इस प्रकार से क्वेश्चन लिखता हूं कि दो घड़ियां इस प्रकार से रखी जाती है। क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने समझाना चाहता हूँ कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, घड़ी की सुइयां कैसे आगे पीछे हो जाती है। दोस्तों आपने काफी बार देखा होगा कि कुछ घड़ियां तेज चलना स्टार्ट हो जाती है, कुछ घड़ियां धीमा ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, माना कि मैंने ये दो घड़ी ली, एक घड़ी ये रख ली और एक घड़ी ये रख ली। आप इस घड़ी में देखेंगे और इस घड़ी में देखेंगे, मैंने दोनों घड़ियों को टाइम मिलाकर सेट कर दिया ये इस प्रकार से। दोस्तों इस घड़ी में आप लोग टाइम देखेंगे तो आपको नजर आएगा 12 बज रहे हैं सब, ये मैंने इस घड़ी में 12 बजा दिए दोस्तों, और इस घड़ी में भी 12 ही बज रहे हैं। दोनों समान समय दर्शा रही है क्योंकि राइट टाइम दोनों दर्शा रही है। लेकिन अब एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो घड़ी है ये तेज चलना स्टार्ट हो जाती है और ये घड़ी धीमी स्टार्ट हो जाती है। आज से ही जैसे मैंने इनको 12 बजे दोनों को मिला के रख दिया, ये घड़ी 10 मिनट तेज हो जाती है, पहली घड़ी 10 मिनट तेज हो जाती है, 10 मिनट तेज हो जाती है, और ये जो दूसरी घड़ी है ये 10 मिनट धीमी हो जाती है, 10 मिनट धीमी हो जाती है। सवाल आपसे ये पूछेगा कि बताइए कितने समय पश्चात इन दोनों में समान समय बताएगी,
दोनों घड़िया समान समय पुनः कब बताएगी, ऐसा कैसे होगा दोस्तों, ये कैसे पॉसिबल है एक दिन के बाद में। अब आप बताएंगे एक दिन का तात्पर्य पूरे रीजनिंग में 24 घंटे से लिया जाता है। अगले दिन जैसे मैंने अभी इनको 12 बजे मिलाया दोनों घड़ियों को 12 बजे मिलाया, तो अगले दिन आपको मालूम चलना चाहिए कि इसी टाइम पे इसमें 12 बजने चाहिए, इसमें भी 12 बजने चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या हो रहा है कि ये जो घड़ी है ये 10 मिनट तेज हो जाती है। इसका मतलब इसमें कितना टाइम नजर आएगा आपको, 12:10 का समय नजर आएगा। और इसमें कितना नजर आएगा दोस्तों, ये 12 बजने चाहिए अगले दिन नेक्स्ट डे। जैसे आज रविवार है तो रविवार को मैंने दोनों को टाइम मिला के रखा 12 बजे, तो सोमवार को 12 बजे इसमें भी 12 बजने चाहिए, 12 इसमें भी बजने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये घड़ी 10 मिनट तेज हो जाती है और ये घड़ी जो दूसरी है ये 10 मिनट धीमी हो जाती है। इसका मतलब इसमें 12 की बजाय कितने बजेंगे, 11:50। आप समझ गए होंगे दोस्तों, एक दिन के पश्चात आफ्टर मंडे इन दोनों में दोनों घड़ियों में 20 मिनट का अंतराल हो जाएगा। 11:50 और 12:10 इन दोनों में कितने मिनट का अंतराल हो जाएगा, 20 मिनट का अंतराल हो गया। ये तो आफ्टर मंडे है, एक दिन के बाद की कंडीशन है। दूसरे दिन क्या घटना घटती है दोस्तों कि इसमें 12:20 होंगे, इसमें 11:40। जब इसमें समय आगे बढ़ता जाएगा इसमें पीछे घटता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जितना इसमें टाइम नजर आएगा उतना ही टाइम इसमें नजर आएगा। तो वो समय कब आएगा, कितने दिन के पश्चात दोनों समान समय दर्शाएगी, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा हुआ है। अब आप में से कौन बताएगा, पहले मैं इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हल करना चाहूंगा और उसके जस्ट बाद में मैं इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा आपको, ताकि आप लोग बहुत फास्टली इस क्वेश्चन का जवाब दे सके। आइए दोस्तों बेसिक से जोड़ता हूँ। आपको मालूम है कि इस घड़ी में 12:10 का टाइम हो रहा है, इसमें 11:50 का टाइम हो रहा है। आफ्टर बंडे एक दिन के पश्चात ऐसी घटना घटती है, तो आप ये बताएंगे कितने मिनट का अंतराल हो गया दोस्तों, 20 मिनट का अंतराल हो जाता है। 20 मिनट का जो अंतराल है वो कितने दिन के पश्चात होता है दोस्तों, आप बोलोगे सर एक दिन के पश्चात 20 दिन का अंतराल हो जाता है, वन डे। चूंकि ये इसलिए एक मिनट का अंतराल कितने दिन में होगा दोस्तों, तो आप बोलोगे सर 1/20 दिन में। मैंने कहा कि 60 मिनट का अंतराल कितने दिन में होगा, तो आप ये बात बोलोगे 1/20 × 60, मतलब 60 मिनट का जो अंतराल होगा वो आपका होगा 3 दिन में। और दोस्तों आप सभी विद्यार्थी जान चुके होंगे कि अंतराल 60 मिनट का नहीं है, ये यहाँ से और यहाँ तक पूरा अंतराल मुझे कंप्लीट करना है, तो ये पूरा टाइम कितना है, 12 घंटे। और आप जानते हो कि एक घंटे में आप ये भी जानते हो कि 60 मिनट होते हैं, और मुझसे पूछा गया है कि 12 घंटे का अंतराल कितने दिन में होगा, तो दोस्तों आप लिख सकते हो 12 घंटे का अंतराल कितने दिन में पूरा होगा, 1 घंटे का अंतराल 3 दिन में होता है, तो 12 घंटे का अंतराल होगा 3 × 12 और भारतीय 36 दिन के बाद में दोनों समान समय दर्शाएगी। दोस्तों एक बार मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, आइएगा दोस्तों लीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा कोशिश करना बात को समझने की। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 20 मिनट का अंतराल 12:10 और 11:50, तो कितने मिनट का अंतराल हो गया दोनों में, आप बोलोगे 20 मिनट का अंतराल हो गया, ये कितने दिन में होगा दोस्तों, 1 दिन में। तो 1 मिनट का आपको मालूम होना चाहिए ये पूरा अंतराल कितने घंटे का है, 12 घंटे का अंतराल मुझे पूरा करना है, तो 1 मिनट का अंतराल 1/20, इसलिए 60 मिनट का अंतराल 3 दिन में 60 मिनट का अंतराल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें 12:30 हो जाएंगे, इसमें 11:30 हो जाएंगे, तो 1 घंटे का अंतराल हो गया कितने दिन में, 3 दिन में। अब मुझे कितने घंटे का अंतराल पूरा करना है, 12 घंटे का अंतराल पूरा करना है, तो कितने दिन में होगा, 3 × 12 भारतीय 36। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था दोस्तों, मैं इस सवाल को ट्रिक से भी हल करना चाहता हूँ, और एक बार ट्रिक से हल कर लीजिएगा। ट्रिक क्या कहती है इस सवाल की, देखना दोस्तों ट्रिक से आप कैसे जवाब दोगे। 60/(difference × 12), डी का मतलब डिफरेंस से है अंतर, 60/(अंतराल × 12), 60/(difference × 12), आप में से कौन बताएगा, समान समय दर्शाएगी 60/(difference) कितने मिनट का दोस्तों, 20 मिनट का है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 20 मिनट गुणा क्या कर दिया 12, और ये 20 दिया 60 और भारतीय 36, विद इन
पांच सेकंड में आप लोग जवाब दे दोगे दोस्तों। ये ट्रिक कहाँ से बनी, ये बेसिक को आप लोग जितनी बार हल करोगे ट्रिक का निर्माण अपने आप हो जाएगा दोस्तों। आप लोग समझ जाएंगे ये 60 रहा, ये अंतर रहा और ये 12 रहा। मैंने इसको फाइनली एक ट्रिक के रूप में बोल दिया, बाकी है वही बात, कहने के तरीके अलग हो गए, शायद आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और आ गया हो तो एक बार मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ और किस किस का जवाब आता है, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग जवाब देना। मैं चेक कर रहा हूँ कौन कौन के कमेंट्स आते हैं दोस्तों, सभी विद्यार्थी जरूर बताएंगे यदि समझ में आया हो तो। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप उत्तर कमेंट्स में जरूर लिखना मुझे, और मैं देख रहा हूँ किस किस के जवाब आते हैं, कौन कौन विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, तो लिखेगा क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि दो घड़ियां इस प्रकार से रखी जाती है, ये पहली घड़ी और ये दूसरी घड़ी, दो घड़ी इस प्रकार से रखी जाती है कि पहली घड़ी 8 मिनट तेज हो जाती है और दूसरी घड़ी 7 मिनट धीमी हो जाती है। पहली घड़ी 8 मिनट तेज और दूसरी एक दिन के पश्चात, दो घड़ियां इस प्रकार से रखी जाती है। मैं कोई पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं आप लोग समझ जाएंगे, इतना मैं लिख दूंगा। तो दोस्तों सुनिएगा मैंने क्या लिखा है कि दो घड़ियां इस प्रकार से रखी जाती है कि पहली घड़ी एक दिन के पश्चात 8 मिनट तेज और दूसरी घड़ी 7 मिनट धीमी हो जाती है। सवाल आपसे ये पूछा गया है, बताइए कितने समय पश्चात दोनों समान समय दर्शाएगी। मैंने ये पूछ लिया समान समय कब दर्शाएगी, कितने दिन के पश्चात दर्शाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थी कमेंट्स में जरूर लिखेंगे, मैं देख रहा हूँ कौन कौन कमेंट्स में आते हैं। जी लिखिएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। कुछ विद्यार्थियों के जवाब बहुत फास्ट है और वेरी गुड, बिल्कुल राइट। ये हुई ना बात, आ गया मजा दोस्तों। अब बिल्कुल मैं रोज पढ़ाऊंगा, प्रातः 8 बजे और सायंकाल 8 बजे। प्रातः 8 बजे रीजनिंग की क्लास रहेगी, सायंकाल 8 बजे मैथ्स की क्लास रहेगी। बहुत प्यारा जवाब आपका। और लीजिएगा दोस्तों, मैंने क्या बताया, दोनों में अंतराल कितने का हो जाएगा, 15 मिनट का। तो 60 बटा ये अंतर आ गया कितने का, 15 गुणा क्या कर दोगे 12, और 15 चौको 60 और 12 चौको 48, दिन के पश्चात दोनों समान समय दर्शाएगी। और ये आपका इस प्रकार से टाइप नंबर 5 कंप्लीट हुआ, घड़ी की सुइयों का आगे पीछे होना। आप चाहो तो इस ट्रिक को फाइनली याद कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट भी हल करवाया दोस्तों, विद इन 5 सेकंड में आपका जवाब आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे दोस्तों। और अब मैं टाइप नंबर 5 के बाद में टाइप नंबर 6 लेना चाहता हूं, कोई विद्यार्थी इसको लिखना चाहे उतार लीजिएगा, मैं 30 सेकंड का समय आपको दे रहा हूं। थैंक यू दोस्तों, एक बार लिखना चाहे तो उतार लीजिए। तो दोस्तों हम टाइप नंबर 6 की बात कर लेते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइप नंबर 6 सेकंड लास्ट है। और ये होता है, आप लोग टाइप नंबर 6 में पढ़ोगे, स्थान परिवर्तन वाले प्रश्न, स्थान परिवर्तन वाले प्रश्न आप इसमें हल करोगे। ये मैं यहां लिख चुका हूं दोस्तों, स्थान परिवर्तन का तात्पर्य क्या है। अब स्थान परिवर्तन का तात्पर्य, जैसे मैं अभी आपसे बोलूं कि अपन स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, तो स्थान परिवर्तन का मतलब क्या हो गया। जैसे माना कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हो, मैं कहता हूं कि स्थान परिवर्तन कर लो, तो मैं आपकी जगह आ जाऊं, आप मेरी जगह आ जाओ, ये होता है स्थान परिवर्तन। अब दो स्टूडेंट आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हैं कि यार अपन ऐसे कर लेते हैं, ये तेरा मित्र बैठा है यहाँ पर, तू इस जगह पर आ जा, मेरा मित्र उस जगह पर बैठा, मैं वहां आ जाता हूँ। स्थान परिवर्तन, आपकी जगह मैं, मेरी जगह पर आप, ये हो गया स्थान परिवर्तन। अब घड़ी की सुइयों में कैसे स्थान परिवर्तन होगा, घंटे की सुई की जगह मिनट की सुई और मिनट की सुई की जगह घंटे की सुई, आने को ही क्या बोलते हैं, स्थान परिवर्तन। अब आप इसमें से क्वेश्चन कैसे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सुन लीजिएगा आप जवाब देना भी। मैंने यहाँ पे लिखा, पहला क्वेश्चन आपके साथ मैं लिखना चाहता हूँ और जोड़ना चाहता हूँ आप लोगों को। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे समझाऊंगा, दूसरे क्वेश्चन का आप कोशिश करना जवाब देने। देखना दोस्तों, एक व्यक्ति प्रातः 8 बजे से 9 बजे के मध्य घर से ऑफिस के लिए जाता है। ये घर से जा रहा है साहब, कहाँ जा रहा है, ये घर से चल दिया और कहाँ जा रहा है, ये इसका घर है और ये इसका ऑफिस है।
एक व्यक्ति प्रातः 8 बजे से 9 बजे के मध्य घर से ऑफिस के लिए जाता है और सायंकाल 5 बजे से 6 बजे के मध्य वापस लौटता है। जाने का समय है दोस्तों 8 बजे से 9 बजे के मध्य और वापस आने का समय है 5 बजे से 6 बजे के मध्य। तो वह देखता है कि घड़ी की सुइयों की जो स्थिति 8 से 9 बजे के मध्य थी, वह वापस आया 5 से 6 के मध्य, तो विपरीत हो गई। विपरीत का मतलब जहां घंटे की सुई थी अब वहां मिनट की सुई आ गई और मिनट की सुई की जगह किसकी आ गई, घंटे की सुई आ गई। सवाल आपसे ये पूछा गया है कि बताइए मैं घर से ऑफिस के लिए कब निकला, यह फिर क्या पूछा जाएगा, बताओ ऑफिस से घर वापस कितने बजे आया, जाने का समय पूछेगा या वापस आने का समय पूछेगा। तो शायद क्वेश्चन तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा, मैं यहाँ पुनः इसको स्पष्ट कर रहा हूँ। एक व्यक्ति प्रातः 8 बजे से 9 बजे के मध्य घर से ऑफिस के लिए निकलता है और वापस ऑफिस से घर का बाहर आया 5 से 6 बजे के मध्य। तो वह ये देखता है कि घड़ी की सुइयों की जो स्थिति 8 से 9 के मध्य थी, वह सायंकाल 5 बजे से 6 के मध्य विपरीत हो गई। विपरीत का मतलब जहां घंटे की सुई थी वहां मिनट की आ गई और जहां मिनट की थी वहां घंटे की सुई आ गई। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि दोस्तों जब वह प्रातः 8 बजे से 9 बजे के मध्य निकला तो घंटे की सुई 8 से 9 के मध्य थी, वापस आया तो मिनट की सुई 5 से 6 के मध्य थी। अब घंटे की सुई 5 से 6 के मध्य हो जाएगी, मिनट की सुई 8 से 9 के मध्य। तो मैं लगभग एक आइडिया आपको बता देता हूँ कि जाने का समय रहेगा 8:05 और 6 के बीच का, मतलब हो गया 25 और 30 के बीच, 8:27-28 मिनट के समथिंग तो वो गया है। और वापस कब आया, 5:08 और 9 के बीच में मिनट की सुई आ जाएगी, तो लगभग 42-43 मिनट के समथिंग वो वापस आया। एक्यूरेट यदि आपको टाइम निकालना है तो सुन लीजिएगा, एक्यूरेट टाइम कैसे निकालेंगे दोस्तों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ जाने का समय, इधर लिख रहा हूं मैं जाने का समय, नीचे लिख रहा हूं आने का समय। जाने का समय का फॉर्मूला होता है 60/13 × t और आने का समय होगा 60/13 × b। ये क्या है, b का मतलब क्या है, d का मतलब क्या है दोस्तों, ये मैंने 13 क्यों लिखा, तो 13 लिखने के पीछे मैं एक लॉजिक बता देता हूं कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 13 बार और 24 घंटे में 26 बार अपना स्थान परिवर्तन करती है। ये कैसे स्थान परिवर्तन करती है इस बात को छोड़ो, आप केवल इस बात का ध्यान रखना कि जाने का समय का फॉर्मूला क्या है, 60/13 × d और वापस आने का समय 60/13 × b। ये जो भी आंसर आएगा ये भी मिनट में आएगा और ये भी आंसर किस में आएगा दोस्तों, मिनट में आएगा। आप लोग बता सकते हो कि मिनट में, जैसे माना कि इस जगह जो भी मिनट आएगा तो जाने का समय क्या हो जाएगा 8:00, वापस आने का समय क्या हो जाएगा 5:01। तो लगा दीजिएगा आप लोग फॉर्मूला। ये डी का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, इसको भी समझा देता हूँ मैं। ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ए बी सी डी मुझे लिखना बस। डी का मतलब तो है 6 और बी का मतलब कितना है 9, लिख दीजिएगा यहाँ 60/13 × d। डी का मान कितना दोस्तों 6, ये 36/13, 13 × 26 बच्चे 10 हो गया 113, 7 × 9 बच्चा 9, ये मैंने यहाँ लिख दिया इतना मिनट। अर्थात जाने का टाइमिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पता है कि 8 से 9 बजे के मध्य गया तो 8 से 9 बजे के मध्य ये तो कन्फर्म है 8:00 कितने मिनट 27:09 मिनट में घर से निकला। वापस कब आया, आपका एक आंसर ये हो गया, ये तो जाने का समय हो गया, वापस आने का समय 60/13 × b। बी का मान कितना है दोस्तों 9, 9 × 6 = 54, ये मैंने यहाँ लिख दिया, बट्टा 13, 13 × 39, 13 × 39, 13 × 52, 13 × 52 बच्चे 2 हो गया 20, 13 × 13 बच्चे कितने 7, ये मिनट। अर्थात टाइमिंग बोलोगे तो कैसे बोलोगे, कितने बजे वापस आया, वो 5 से 6 के मध्य वापस आया तो 5:41 = 7/13 पे तो वह वापस आया, और घर से कब निकला वो 8:27 = 9:13 पर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों दोनों कॉन्सेप्ट आपके समझ में आए होंगे और यदि समझ में आए तो आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। फॉर्मूला बिल्कुल लीजिए 60/13 × d, 60/13 × b। ये d का मतलब क्या है, ये b का मतलब क्या है, तो सीधा सा तात्पर्य ये a, ये b, ये c और ये d। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको और सबसे फाइनली जिसका जवाब आएगा
उसको 5-star ट्रॉफी है। लिखेगा ये क्वेश्चन और सभी विद्यार्थी जवाब देंगे, कौन कौन विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, कौन कौन पढ़ने के इच्छुक है, पेन कॉपी कौन लेके बैठा है अभी मालूम चल जाएगा। ये क्वेश्चन मैं यहाँ केवल संकेतों में लिखूंगा दोस्तों, एक व्यक्ति ये मैं यहाँ जाने का समय लिख रहा हूँ, यहाँ वापस आने का समय लिख रहा हूँ, क्वेश्चन वही रहेगा केवल समय चेंज कर रहा हूँ। एक व्यक्ति प्रातः 9 बजे से 10 बजे के मध्य घर से ऑफिस के लिए निकला और सायंकाल 4 बजे से 5 बजे के मध्य वापस लौटना है। एक व्यक्ति प्रातः 9 बजे से 10 बजे के मध्य घर से ऑफिस के लिए निकलता है और सायंकाल 4 बजे से 5 बजे के मध्य वापस लौटता है। लौटता है तो वह यह देखता है कि जो सुइयों की स्थिति 9 से 10 के मध्य थी वह सायंकाल 4 बजे से 5 बजे के मध्य विपरीत हो गई। तो बताइए मैं घर से कब निकला और वापस लौट कर कब आया, इन दोनों क्वेश्चनों के आपको जवाब देने दोस्तों। और मैं इंतजार कर रहा हूँ किसका जवाब सबसे फास्ट आता है। सबसे फास्ट किसका जवाब आता है ये मैं देख रहा हूँ, आप में से किसका जवाब सबसे फास्ट आता है, सबसे फास्ट जवाब किसका आता है दोस्तों? जी आने लग गया आंसर, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाने का समय और आने का समय दोनों बताने हैं आपको, एक समय नहीं बताना है, जाने और आने दोनों का समय बताना है। बताइएगा जल्दी से ये बात, थैंक यू दोस्तों, आप सबके जवाब आए और एक बार पुनः आप सबको वेरी वेरी थैंक यू। लीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल इजी है ये, मैंने यहाँ पर लिखा 60/13 गुना डी, डी का मान के एक है 5, ये ए बी सी और डी, ये 6×5=30, 300/13, 13×2=26, बचे 4, 13×3=39, बचा 1, ये इतना मिनट आ गया दोस्तों। आप लोग क्या बोलोगे, अर्थात ये आपका जो समय है वो जाने का समय हो गया, तो जाने का समय क्या हो जाएगा, 9:23 सही 1/13 मिनट पर अगर घर से निकला, वापस आने का समय मुझे बताना है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आने का समय क्या बोलोगे दोस्तों, 60/13 × b, बी की वैल्यू कितनी है 10, ये आपका हो गया 600, 600/13, 13×52 बचे 8, 13×6=78, बचे 2, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अर्थात मैं टाइमिंग बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा, कितने बजकर 4:46 सही 2/13 मिनट में वह वापस घर से ऑफिस से घर आया, और ये जो जाने का समय ये भी आपका क्लियर, आने का समय भी क्लियर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों दोनों क्वेश्चनों के साथ आप ये टैग नंबर 6 को सीख चुके होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं अब टैग नंबर 7 पे आना चाहता हूँ, कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं पुनः रिपीट कर सकता हूँ। बिल्कुल ये सवाल है दोस्तों, जाने का समय 60/13 × d, आने का समय 60/13 × b, कोई आपसे पूछे, हालांकि आपसे पूछने की हिम्मत किसी की नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे कोई पूछ ले कि, तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि 12 घंटे में 13 बार और 24 घंटे में 26 बार घड़ी की दोनों सुइयां स्थान परिवर्तन करती है दोस्तों, ये जाने का समय हो जाएगा, ये आने का समय, दोनों आंसर मिनट में आएंगे। क्यों आएंगे मिनट में, क्योंकि ये मुझे पता है कि घर से 8 बजे से 9 बजे के मध्य निकला, तो 8 बजे से 9 बजे के मध्य का मतलब हो गया घंटे की सुई तो 8 है, केवल मिनट की सुई का पता लगाना मुझे। यहाँ पर भी 5 से 6 बजे के मध्य वापस आया तो ये तो कंफर्म हो गया कि 5 बजकर जो भी आंसर आएगा वो मिनट में आएगा। दोनों क्वेश्चन आप लोग उतार सकते हो, मैं टाइप नंबर 7 जो कि अंतिम टाइप है उसी के साथ इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, जो जो उतार रहे हैं वो उतार सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों अब हम टाइप नंबर 7 के साथ जुड़ जाते हैं, घड़ी में टाइप नंबर 7, आप 6 टाइप आप घड़ी के कंप्लीट पढ़ चुके हो दोस्तों। आइए टाइप नंबर 7 में लिख देता हूं, सूचना का समय ज्ञात करना। सूचना का समय ज्ञात करना, कैसे निकालेंगे सूचना का समय, इसका एक फॉर्मूला लिख देता हूं मैं पहले आपको। सूचना का समय, इसका फॉर्मूला होता है निश्चित समय
माइनस समय अंतराल प्लस बीता हुआ समय निश्चित समय माइनस समय अंतराल प्लस बीता हुआ समय। अब आपको मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, क्वेश्चन के साथ जोड़ना चाहता हूं, देख लेना दोस्तों आप सब जवाब देना उसका बिल्कुल इजी। आप लोग ये कोई जरूरी नहीं कि आपको ये फॉर्मूला याद हो तो भी आप जवाब दे पाए, कॉमन सेंस यदि रीजनिंग है क्या आपका आईक्यू लेवल जांच करने का एक सब्जेक्ट है रीजनिंग, आपका आईक्यू लेवल कितना है बस इस बात का आंकलन करना है, बाकी ये फॉर्मूला वर्मूला कोई बड़ी बात नहीं है, आप बिना फॉर्मूले के भी जवाब दे सकते हो। कैसे दोगे जवाब सुनो, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ इस सवाल इसको जोड़ना चाहता हूँ टाइप नंबर सात को, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर जाकर रणजीत ने दिल्ली को जाने वाली रेलगाड़ी के बारे में पूछा तो टिकट बाबू ने बताया कि यहां से हर दो घंटे में ट्रेन जाती है पिछली ट्रेन को गए हुए सत्रह मिनट हो चुके हैं तथा अगली ट्रेन 8:40 पर जाएगी तो बताइए रणजीत को यह सूचना कितने बजे मिली, सूचना का समय मुझे बताना दोस्तों। बिल्कुल इजी सवाल, आप लोग सूत्र को भूल जाएंगे एक मिनट के लिए, इजी वे में आप लोग इस क्वेश्चन को अपने आईक्यू लेवल से भी सॉल्व कराए। दोस्तों अगली ट्रेन में जाने का टाइम कितना है 8:40, आप एक बात बताओ हर दो घंटे में ट्रेन जा रही है इसका मतलब पिछली ट्रेन कब गई थी 6:40 भाई, हर दो घंटे में ट्रेन जाती है, अगली ट्रेन 8:40 पर जाएगी तो पिछली ट्रेन कितने बजे गई होगी 6:40। चलो ठीक है 6:40 पे गई, 6:40 पे ट्रेन स्टार्ट हो गई, लेकिन भाई साहब रणजीत 17 मिनट पिछली ट्रेन को गए हुए 17 मिनट हो चुके हैं, इसका मतलब रणजीत ट्रेन से 17 मिनट लेट पहुंचा तभी तो वो वहां रह गया और टिकट बाबू से पूछा तो उसने एक बात बोली अभी 17 मिनट पहले ट्रेन गई है, आप 17 मिनट पहले आते ट्रेन कितने बजे गई 6:40 पे और रणजीत 17 मिनट लेट हो गया, इसका मतलब कितने बजे रणजीत पहुंचा होगा 6:40 में 17 मिनट लेट हो गया मतलब जोड़ दीजिएगा 6:57 पे रणजीत को यह सूचना मिली। अब यदि आप फॉर्मूले से करना चाहो इसी में मैं आप लोगों को जवाब दे दिया मैंने, और यदि आप फॉर्मूले से करना चाहते हो तो लिख दीजिएगा सूचना का समय बराबर निश्चित समय, निश्चित समय कितना दोस्तों 8:40 माइनस समय अंतराल कितना है 2-2 घंटे प्लस बीता हुआ समय कितना 17 मिनट, 6-2 घंटे जाएंगे तो ये कितना हो गया 6:40, इसमें 17 मिनट मुझे जोड़ना है, ये आपका आंसर आएगा 6:57 पर रंजीत को यह सूचना मिली। आइए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा और आ गया हो तो आप लोग साथ के साथ ही कॉपी में लिखते जाएंगे। मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को ला लीजिएगा, एक और क्वेश्चन इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका खत्म होने वाला है, लीजिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखना जी। एक और क्वेश्चन इससे मिलता जुलता ही मैं आपसे पूछ लेता हूं,
सवाल मेरा यह है, जवाब आप लोगों का आना चाहिए। लालसोट बस स्टैंड पर जाकर मोनिका ने गंगापुर को जाने वाली बस के बारे में पूछा तो कंडक्टर ने बताया कि यहां से हर 40 मिनट में बस जाती है, पिछली बस को गए हुए आठ मिनट हो चुके हैं तथा अगली बस चार 4:25 पर जाएगी, तो बताइए सूचना का समय कितना था। जल्दी से लिखेगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में, और बिल्कुल इजी सवाल है, आप लोग सब जवाब देने चाहिए, जल्दी जल्दी बताएंगे। सभी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं किसका जवाब फैसले आता है, और इतना टाइम मत लगाओ दोस्तों, मजा बिगड़ जाएगा। जल्दी से जवाब देंगे आप लोग, और मैं देख रहा हूं कमेंट्स में किसका जवाब सबसे फैसले आता है। जी 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 बिल्कुल राइट, थैंक यू सो मच, सभी प्यारे विद्यार्थियों का आभार। जी दोस्तों आइए मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन का जवाब। सूचना का समय मुझसे पूछा है, तो जवाब आपका क्या होगा? निश्चित समय, निश्चित समय कितना है? 4:25 माइनस समय अंतराल, समय अंतराल कितने का है दोस्तों? 40 मिनट पर जाती है माइनस 40 मिनट प्लस बीता हुआ समय, बीता हुआ समय कितना हो गया? 8 मिनट। ये मैंने 8 मिनट यहाँ पे लिख दिया 08, इन दोनों को जोड़ना है तो ये हो गया 4:25 जोड़ूंगा तो 33, माइनस 40 मिनट मुझे घटाना है दोस्तों, घटाना बिल्कुल लीजिए कोई बड़ी बात नहीं है, 4:33 में से 40 मिनट घटाना है आपको, तो आपको पता 33 में से 40 जाते नहीं है, ये इससे कैरी लेगा उधार, तो ये 60 एक घंटे उधार लेगा तो हो जाएगा 60 और 33 आपका हो गया 93, ये बचेंगे 3, ये 5 और ये हो गया 3:53। सूचना का जो समय आएगा वो आएगा 3:53। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब समझ गए होंगे, बिल्कुल इजी सवाल है, और ये 7 टाइप आपके कंप्लीट, घड़ी आपकी कंप्लीट। मैं 2 क्वेश्चन विविध में और लिखना चाहता हूं, 8वां टाइप मानो या फिर एक्स्ट्रा में जो कुछ बाकी है उसका नाम दिया गया विविध। आइएगा दोस्तों मैं विविध में 2 सवाल और जोड़ना चाहता हूं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसी के साथ आपका ये घड़ी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों सभी प्यारे विद्यार्थी टाइप नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। ये टाइप नंबर 8 मैंने यहां लिख दिया, टाइप नंबर 8 जिसमें लिखा मैंने विविध, और केवल 2 क्वेश्चन बाकी हैं मेरे अकॉर्डिंग, फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें। टाइम टेबल मैं आपको बता चुका हूं, प्रातः 8 बजे रीजनिंग की क्लास रोज प्रातः 8 बजे और इवनिंग को 8 बजे मैथ्स की क्लास के साथ जुड़ जाइएगा दोस्तों, रोज मैं लाइव आऊंगा। आप जिस भी विद्यार्थी ने लाइव आने के जस्ट बाद में मैं इनको मेरे यूट्यूब चैनल वी आंसर मैथ्स, मेरा यूट्यूब चैनल है वी आंसर मैथ्स के नाम से, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से बोलें ताकि रोज पढ़ाई मिले आपको, आपकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं डालेगी ये लॉकडाउन। मैं और यही मेरा
चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी यही है मेरा, और टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, दोनों इसी नाम से है। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आज शाम को 8 बजे मैथमेटिक्स में भाषाता से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा, तो सभी विद्यार्थी सायंकाल 8 बजे भी अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़े और लाइव देखें, उसके जस्ट बाद में मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। आइए दो क्वेश्चन और बाकी उनको कंप्लीट करते हुए ये घड़ी आपकी कंप्लीट। विविध में क्या होता है दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक घड़ी, आपने एक पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी, आपके घर परिवार में देखा होगा एक घड़ी लटकी रहती है जो एक बजा तो एक बार टन की आवाज निकालती है, दो बजते पर टन टन दो बार बोलती है, तो उम्मीद करता हूं 12 बजे कितनी बार बजेगी वो, टन 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 सोने नहीं देती है सारी रात। ऐसे भी लोग होते हैं कि ऐसी घड़ी है, बताओ सवाल। तो आप बताएंगे 10 बजे 10 बार बजेगी, 12 बजे 12 बार बजेगी। तो सवाल आपसे क्या पूछा गया, एक घड़ी एक बजे एक बार, दो बजे दो बार, तीन बजे तीन बार, तथा आगे भी इसी क्रम में बजती है, तो बताइए एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी। आइए दोस्तों मैं आपसे, बिल्कुल इजी सवाल है और कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक बात बताओ, एक बजे एक बार, दो बजे दो बार, तीन बजे तीन बार, डॉट डॉट डॉट, इसी क्रम में संख्याएं आगे बढ़ जाएगी, इसी क्रम में आगे बढ़ जाएगी। मैं आपसे पूछूं 12 बजे 12 बार बजेगी, मैं यहां पर लिख रहा हूं 12 घंटे में बजने की संख्या, 12 घंटे में बजने की संख्या, तो आपका जवाब क्या होगा, 1 + 2 + 3 + ……… 1 से लेकर 12 तक, 1 बजे एक बार, 2 बजे, मैं पूछूं 2 बजे तक कितनी बार बजेगी, 2 + 1 = 3, सबको ऐड करना मुझे, तो आप इसका फॉर्मूला जानते हो, प्राकृत संख्याओं का योगफल n n + 1/2। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 12, 12 और 1 कितना हो गया 13 बटा नीचे 2, 2 × 6 = 12, 13 × 6 = 78 बार, 12 घंटे में 78 बार। लेकिन दोस्तों मैंने कितनी बार बोला मुझे खुद को नहीं मालूम, कि दोस्तों एक दिन का तात्पर्य कभी भी 12 घंटे से नहीं लिया जाता है, एक दिन का तात्पर्य हमेशा 24 घंटे से होता है। तो आप क्या बोलोगे, 24 घंटे में बजने की संख्या, जब आपको ये कंफर्म हो चुका है कि 12 घंटे में 78 बार बजती है, तो 24 घंटे में 78 होगी 156 बार, और राइट आंसर दोस्तों 156, 100% राइट आंसर 156, आप जीत चुके हो दोस्तों 1 करोड़ रुपए, 156 जिन जिन का आंसर आ रहा है 100% राइट आंसर है। यदि कोई लड़का इसको यूं करना चाहता है कि 12 के बाद में 13 को भी जोड़ देगा 14 को, गलत है दोस्तों। आपको पता है कि 12 के बाद में 1 बजेगा, 13 थोड़ी बजते हैं, घड़ी में 1 बजेगा और 1 बजे वापस से 1 बार बजेगी, इसलिए मैंने 12 घंटे के 2 बार निकाले हैं। जिन लड़कों को मालूम नहीं है कि सर इसमें हम डायरेक्ट 13 भी जोड़ देते, 14 भी जोड़ देते, 24 ही जोड़ देते, नहीं ऐसे नहीं करना, क्यों नहीं करना है, क्योंकि 12 के जस्ट बाद में 13 नहीं बजते दोस्तों, 1 बजेगा और 1 बजे वापस कितनी बार बजेगी, 1 बार बजेगी। और दोस्तों ये घड़ी का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, अंतिम क्वेश्चन के साथ अपनी वार्ता यही समाप्त करना चाहता हूँ। लीजिएगा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज का, शायद बोर्ड पे नहीं दिख रहा हो, कोई नहीं बेटा, ये अभी लाइट में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, शाम को इवनिंग को 8 बजे बिल्कुल मस्त आएगी, मेरी गारंटी है, आप लोग 100% समझ में आएगा आपको। लास्ट क्वेश्चन घड़ी का, ये 8 टाइप कंप्लीट आपके, और घड़ी का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी में 3, 6, 9, 12 के स्थान पर बिंदु अंकित है, मतलब 3, 6, 9, 12 नहीं लिखे हुए, उनकी जगह पे पॉइंट लिखे हुए, बिंदु अंकित है,
एक व्यक्ति घड़ी में समय देखता है तो उसे 6:02 का समय दिखाई देता है, लेकिन उसने गलती से घंटे की सुई को मिनट की सुई और मिनट की सुई को घंटे की सुई समझ लिया तो बताइए सही समय कितना होगा। क्या क्वेश्चन आया है? एक घड़ी में 3, 6, 9, 12 के स्थान पर बिंदु अंकित है दोस्तों, और एक व्यक्ति घड़ी में समय देखता है तो उसे 6:02 का समय दिखाई देता है, लेकिन उसने गलती कर ली, नींदों में उठ गया था और जैसे जैसे उसने गलती से समय देखने की कोशिश की उसे ध्यान नहीं रहा, उसने 6:02 का समय जान लिया। कब जाना उसने? जब घंटे की सुई को तो क्या समझ लिया मिनट की, और मिनट की सुई को घंटे की सुई समझ लिया, तब जाकर उसने बोला था कि 6:02 का समय दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों उसका राइट टाइम तो कुछ और था, उसने ये तो गलती से हुआ था। तो आइएगा जो भी समय दे रखा है आप इधर बना देंगे, आप सबसे पहले 3, 6, 9, 12 तो लिखना ही नहीं है आपको, यहाँ पर जो भी समय आपको दिया गया वो आप बना दीजिएगा। और अभी मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, 6:02 का समय उसने देखा, तो 6:02 का समय इस प्रकार से देखा होगा उसने, ये 6:02 का समय इसी प्रकार देखा होगा दोस्तों, लेकिन उसने गलती कर दी, ये घंटे की सुई उसने मानी है ऐ नहीं है, ये तो मिनट की है और ये क्या है घंटे की। आपको आंसर देना दोस्तों, ये घड़ी और दूसरा समय कौन सा दर्शा सकती है, बस वही आपका आंसर होगा। सही समय मुझे बताना है, 6:02 मुझे दे रखा था मैंने बना दिया, लेकिन ये तो गलत है, उसने घंटे की सुई को मिनट की मान लिया, मिनट की को घंटे की। अब आपको करना क्या है, इसको मिनट की मानना है, इसको घंटे की मानना है, इसको घंटे की मानूंगा तो कितना हो जाएगा 12:30। राइट आंसर दोस्तों 12:30। और इसी के साथ ये आपका घड़ी का चैप्टर कंप्लीट दोस्तों, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, तीनों पार्ट्स आपको देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल दी आंसर मैथ्स पर आप लोगों को तीनों वीडियो मिल जाएंगे। और मैं कल रीजनिंग में आपको प्रातः 8 बजे फिर मिलूंगा दोस्तों, लेकिन कल का जो चैप्टर रहेगा रीजनिंग में वो रहेगा कैलेंडर, और मैथमेटिक्स में आज सायंकाल 8 बजे मैं आपसे मुलाकात करूंगा दोस्तों। उसमें नंबर सिस्टम का आप भाजकता के नियम से रिलेटेड क्वेश्चंस, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आऊंगा दोस्तों, और सभी प्यारे विद्यार्थियों को सुप्रभातम। उम्मीद करता हूँ आज के दिन की शुरुआत आपकी अच्छी होगी और अच्छा दिन आपका निकलेगा, दिन भर पढ़ाई में आप व्यतीत रहें, समय का सदुपयोग करना सीखो दोस्तों। जाते जाते दो लाइनें आपको सुना देता हूँ, उसके जस्ट बाद में फिर 8 बजे मुलाकात करेंगे इन्हीं बातों के साथ। आइएगा दोस्तों, दो लाइनों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ, सुनिएगा पूरी मस्ती के साथ। अच्छी लगे तो दाद देना और बुरी लगे तो कुछ मत करना, कमेंट्स में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। सुनिएगा दो लाइन सिर्फ आपके लिए, कि सलाखों में अंधेरे मिटा के लौट आया, कि सलाखों में अंधेरे मिटा के लौट आया, मैं अपनी सारी किताब जला के लौट आया, और वो अभी बैठी ट्रेन में सिसक रही होगी, मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। थैंक यू दोस्तों, सायंकाल 8 बजे मिलता है इन्हीं मुलाकातों के साथ। सुप्रभातम, धन्यवाद आप सबका कि आपने इतना प्यार और विश्वास दिया। एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों को राम राम।